हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? और बताइए क्या हाल है? सब बढ़िया, मजे में। सब बढ़िया है, हम भी बढ़िया। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब अच्छे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज दिन है बुधवार का। बुधवार की हो गई है शाम के बज रहे हैं 5। और मैंने ब्लॉग नहीं स्टार्ट किया था, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, कुछ बाहर का काम कर लेते हैं, क्योंकि सब्जी नहीं है तो सब्जी लेकर आते हैं। तो चलते हैं, डिनर वगैरह की तैयारी करते हैं। तो आज क्या बनाए कुछ समझ में नहीं आया, देखते हैं जो सब्जी मिलेगी वो बना लेंगे। दोपहर में मैंने दाल चावल वगैरह बनाया था, मिक्स दाल एंड राइस, और कुछ नहीं बनाया था क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। तो रात में भी काफ़ी लेट हो गया था, मंदिर से आने में, फिर डिनर वगैरह बनाने में काफ़ी देर हो गई थी, इस वजह से काफ़ी मॉर्निंग में उठने में भी दिक्कत हो गई। और मम्मी और बच्चों को स्कूल भी जाना था, तो सूर्यांशी को स्कूल भी भेजना था, सुबह उठ के भेज दिया। उसके बाद भी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, तो काफ़ी काम में लेट हो गया था, इसलिए कुछ बनाया भी नहीं मैंने। तो सीधे मैंने दाल चावल बनाया था आफ्टर में, और अब रात हो गई है तो रात का डिनर बना लेते हैं। तो दाल चावल थोड़ा सा रखा है, बच्चे खाएंगे तो खा लेंगे, और कुछ और तो बनाना ही है, तो सब्जी और रोटी सोच रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या सब्जी मिलती है, जो सब्जी अवेलेबल होगी मार्केट में वो ले आते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं सब्जी खरीदने। तो चलिए आप लोग को भी ले चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आपसे ये कुछ बात करने आए हैं। बताइए क्या बात करें। हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? और बताइए क्या हाल है? सब बढ़िया, मजे में। सब बढ़िया है, हम भी बढ़िया। चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आगे बढ़ाइए। और आज सुबह उठते ही एक बढ़िया न्यूज मिली, अंशी को स्कूल छोड़ने गए। अंशी कह रही थी कि, क्या कह रही थी अंशी? अंशी कह रही तुम मेरे अभी साल में नाम भूल गए, अभी याद था मुझे नाम, कोई किसी ने मुझसे मनीलाल बोला। ये बड़ी स्मार्ट है तू। चलिए हेलो, बाय बाय। ये देखिए फ्रेंड्स क्या बन रहा है, त्योहार की तैयारियां हो रही है। क्या नमकीन में क्या बनाया? पपड़ी। अच्छा, और गुगले और मिठाई, ये मिठाई है और इसमें गुगला, ये क्या बनाया लड्डू? अच्छा ठीक है ठीक है। और पूर्ति ने क्या बनाया? मेरी चोटी लड्डू है। लड्डू ने कहा लड्डू, हमें तो लड्डू का दिख नहीं रहा है, ये तो गोलियां है छोटी छोटी सी। ये लड्डू है, ये किस चीज के लड्डू? एक बेसन के, बूंदी के। अच्छा, ये पिस्ता का लड्डू है क्या? ये ग्रीन कलर का। हाँ, पिस्ता। अच्छा, दिवाली की पूजा होगी फिर, हमें लग रहा। ये दूध की बोतल क्यों पड़ी है यहाँ पे? अच्छा, बेबी का दूध है। दूध की बोतल तो बेबी से बड़ी है। बाप रे, कितना दूध पीता है? बहुत सारा दूध पीता है। ओके, तुम पीती हो? मैंने एक भी पी जाता। अच्छा ठीक है, अब सुला दो, निन्नी करा दो, ये सोना चाह रहा है। पूजा करने जा, सुला दो, चलो सो जा। हाँ, तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना कूड़ा इकट्ठा कर रखा है, आप खुद ही देखिए कितना खिलौना। ये देखिए, ये देखिए, ये बाबा के साथ बैठ के खेलती, पूरा गत्ता भरा हुआ है। ये जो देख रहे हैं आप, ये गत्ता पूरा भरा हुआ, देखिए पूरा पलट दिया गया है। और अभी और भी खिलौने हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पड़े हैं। तो ये सब चलता रहता है इन लोगों का। चलते हैं फिर सब्जी खरीद लेते हैं और किचन का काम कर लेते हैं। और पूर्ति से बच के जाना है, क्योंकि तो पूर्ति हमारी घूमने की रट लगा रखी है, तो इनसे छुप छुपा कर मुझे निकलना है। और ये जो है नीचे जा चुके हैं गाड़ी के पास, लेकिन मुझे छुप कर निकलना है, कहीं ये देख ना ले। क्योंकि क्या होता है कि जब इनको गोद में उठाते हैं तो हम सब्जी वगैरह सही से खरीद नहीं पाते हैं, हम देख नहीं पाते हैं, और वो लोग भिड़ो देते हैं कुछ भी, मतलब सड़ी गली जैसी भी है। तो भरोसा करना भी आजकल के समय में किसी के ऊपर भरोसा किया नहीं जा सकता। अगर उसे कहीं अच्छी रख दीजिए तो वो सब सड़ा गला रख देते हैं। और त्यौहार का टाइम है, आप सोचिए 2 दिन बाद त्यौहार भी स्टार्ट हो जाएंगे,
तो सब्जी भी लाना जरूरी है और सब्जी मिलना भी मुश्किल हो जाएगी अब तो। चलिए चलते हैं, पहले मार्केटिंग कर लेते हैं सब्जी की। नहीं दे ले लो, फिर बाद में ले लो। नहीं दे ले लो इसे। कहाँ निकलेगा? हम घूमने जाना है। हैं? कार लेके निकल जाएंगे। कार लेके घूमने? अच्छा, तो कहाँ जाना है? जाएंगे घूमने। क्या ऐसे घूमने? उधर रात में सारी रात वैसे भी नहीं सोना है। 2-3 बजे। हाँ। सो फ्रेंड्स, देखिए मार्केट से सब्जी तो ले आए हैं। सब्जी में क्या क्या लाए हैं? सब्जी में आलू, टमाटर और हरी मिर्च, धनिया, और मैं लेके आई हूँ मूली, जो कि साग वाली मूली है। इसके पत्ते बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छे बनते हैं। मैं मॉर्निंग में बनाऊँगी सुबह मूली की भुजिया और पराठे। तो चलिए दिखाते हैं। मैंने सब्जी छौंक दी आलू मटर टमाटर की, और दाल भी रखी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी तो दोपहर में जो मैंने लंच बनाया था, इतनी दाल बची हुई है और ये देखिए इतना राइस रखा हुआ है अभी मेरा, और मैंने छौंक दी है अभी ये मस्त सी चटपटी सी आलू टमाटर की सब्जी, तो ग्रेवी वाली, और सेकूंगी मैं गर्मा गर्म रोटियाँ। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। तो अभी मैंने छौंक लगाया है इसके, और मैंने रेसिपी नहीं दिखाई क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे इस वजह से। और इसको हम ढक देते हैं और आँच को सिम कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही सब्जी पक जाएगी तब तक हम एक तरफ रोटियां भी सेक लेते हैं साथ ही साथ, क्योंकि रात का बज रहा है 10, तो फटाफट से काम निपटेंगे क्योंकि कल भी हमें काफ़ी लेट हो गया, तो आज भी मेरा बहुत लेट हो रहा है, और मुझे अभी वीडियो की एडिटिंग भी करनी है। सबको खाना खिला करके किचन साफ करना है, बर्तन धुलने हैं, और किचन साफ करने के बाद फिर मुझे खाना भी खाना है और मुझे एडिटिंग भी करनी है। क्या होता है कि जब मैं खाना खा लेती हूँ तो मुझसे कोई काम नहीं होता, मेरी आंखें बस बंद हो जाती हैं, बस यही मन करता है कि जल्दी से सो जाओ, फिर काम नहीं होता, तो सुबह वीडियो लेट हो जाएगा, फिर आप लोग से कैसे मिलेंगे। तो इस वजह से फटाफट से मैंने स्टार्ट कर दिया है खाना, और सब्जी लाने में काफ़ी लेट हो गया, इस वजह से खाना बनने में भी लेट हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। तो एक तरफ ये सब्जी बन रही है, सब्जी पकने वाली है, तो चलिए रोटी भी सेक लेते हैं। तवा मैंने चढ़ा दिया है, और ये काट ली मैंने धनिया, बहुत इस महक आ रही है, बहुत देसी धनिया है ये, तो सब्जी में डाल देंगे और फटाफट से रोटियां सेक लेते हैं। तो चलिए रोटियां सेक कर लेते हैं। फटाफट से मैंने रोटियां भी सेक लेती हूँ और जल्दी से खाना लगा देती हूँ, डिनर टाइम हो गया, तो आप सभी लोग आ जाइए,
गर्मा गर्म सब्जी रोटी और दाल चावल दोपहर का है खाना, उसको खा लीजिएगा। तो आ जाइए सभी लोग, जिसको जिसको खाना खाना है, फटाफट गर्मा गर्म रोटियाँ हैं और बहुत ही टेस्टी सी सब्जी है आलू टमाटर की, मज़ा आ जाएगा। मज़ा ना आए तो फिर अब कहिए। चलिए पहले मैंने दो चीज़ सेक ली है, वो पापा की थाली लगा देती हूँ, फिर मैं और सेक लेती हूँ। इसी तरह से सारी रोटियाँ सेक करके तब खाना लगाती हूँ। दोनों दुकान की है, पक्की है दुकान दोनों की है। तो रोटियाँ भी हमारी बन गई है, फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी रोटियाँ सेक ली थी और फटाफट से मैं किचन भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब किचन साफ़ कर दी तो मॉर्निंग में बहुत आसान हो जाता है काम करना। तो ये देखिए लास्ट की रोटी मैं मोटी बनाती हूँ, एक या दो ऐसा शुभ मानते हैं। तो तरवा गर्म था इसलिए मैंने ले रखा। और ये देखिए सूर्यांशी को गोदी ला दें हम, क्योंकि ये कह रही थी मुझे सब्जी दिखा दो मम्मा तभी मैं खाऊँगी। तो ये देखिए सब्जी बहुत टेस्टी बनी है और बहुत ही देखने में भी अच्छी है। सब्जी बनी है ना, बहुत टेस्टी महक बहुत अच्छी आ रही है और बहुत फटाफट से हम लगा लेते हैं प्लेटिंग। तो आप लोग भी आ जाइए फटाफट से, डिनर रेडी है। दाल रह गई थी, सबको दाल भी दे दें थोड़ी थोड़ी सी। ये देखिए पूरी कंप्लीट थाली लगा दी है, दाल है, मिक्स दाल है बैठी है, चावल है, प्याज का सैलेड है, सब्जी है और रोटियां हैं। तो आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म खाना खा लीजिए। ये लीजिए फिर गर्मा गर्म सब्जी और रोटी तैयार है, फटाफट से खा लीजिए। सिंपल सा डिनर रेडी है और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे करेंगे एंड। मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। चम्मच निकाल चम्मच।